जमहूरियत सिर्फ अपने हक की आवाज बुलंद करने को नहीं कहते। जमहूरियत तब होगी जब गरीब आवाजें ही बुलंद न करती रहें, बल्कि उनके हक लाकर उनकी झोली में डाल दिए जाएं। वक्त के जालिमों, लुटेरों और बदतरीन आमिरों, सुनो ये आवाज तुम्हारा इबरतनाक अंजाम बनने वाली है। जालिमों, खजाना कौम का है, अमानत कौम की है, और कौम के फर्जंदों पर खर्च करने की बजाय तुम अपनी अपनी सियासी जमातों के मफादात पर खर्च कर रहे हो। याद रखो, वो वक्त करीब है जब इस कौम के मुहासबे का हाथ तुम्हारे गिरबानों तक पहुंचेगा और तुम लुटेरों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। जिस मुल्क में जुल्म इंतहा को पहुंच जाए, इस्तेसाल इंतहा को पहुंच जाए, गरीबों के हुकूक लुटने लगे, ऐसे हालात में फकत वाज और तबलीग करते रहना, इसे दीन नहीं कहते। इस वक्त कौम के करोड़ों गरीबों की आहों, करोड़ों मेहनत कशों की आहों ने, लाखों मजदूरों की आहों ने हमें पुकारा और कहा कि ये वक्त है कि वक्त के यजीदों को ललकारा जाए, वक्त के फिरौनों को ललकारा जाए और हुसैन इब्न अली की सुन्नत को जिंदा करते हुए सरबकफ होकर मैदान जिहाद में आया जाए और एक नया मार्का करबला बपा करके यजीदी बुतों को पाश पाश कर दिया जाए। पाकिस्तान अवामी तहरीक मेहनत कशों की जमात बनकर इस्तेसाल के खात्मे के लिए मैदान में आई है। पाकिस्तान अवामी तहरीक किसानों की जमात बनकर जागीरदारी के खात्मे के लिए मैदान में आई है। पाकिस्तान अवामी तहरीक गरीबों की जमात बनकर मुल्क से सरमायादारी के निजाम को खत्म करने के लिए मैदान जिहाद में उतर आई है। गरीब तो फकत पाकिस्तान में वोट देने के लिए पैदा हुआ है, मरते दम तक गरीब वोट ले नहीं सकता। गरीब वोट देता रहेगा, नुमाइंदे चुनता रहेगा, गरीब खुद कभी गरीबों का नुमाइंदा बन नहीं सकता। ये जुल्म है, ये कुफ्र है, इस्तेसाल है। अवामी तहरीक ऐसा सियासी निजाम लाएगी जिसमें सरदारों और मालदारों के अलावा रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम, पाकिस्तान की असम्बलियों में मजदूर भी जाएगा, किसान भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, मेहनत कश भी जाएगा।